सभी दर्शकों का मन भावन में स्वागत करती हूँ। मनोविकास मन भावन प्रोग्राम की पहल इसलिए करता है क्योंकि इसमें सभी स्पेशल बच्चों के लिए हम एक खास चीज लेके आते हैं। मन भावन का बेसिकली उद्देश्य यह है कि हम मन भावन के माध्यम से हम देश के सभी बच्चों को एक खुशी, उत्साह और उमंग पहुंचा दे। हम सभी बेसब्री से सप्ताह के 2 दिनों का इंतजार करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मन भावन मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन आता है। ये 2 दिन हम सभी बच्चे, सभी दर्शकों इंतजार करते हैं मन भावन का। आज हम अपने मन भावन के 28वें एपिसोड पर हैं और मैं दर्शकों को यह बताना चाह रही हूँ कि आज हमारे बीच जो कलाकार आ रहे हैं उनका नाम है शोभना रुस्तगी जी। मैं सभी बच्चों के तरफ से और मनोविकास परिवार की तरफ से शोभना जी का मन भावन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। शोभना जी के बारे में मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ। शोभना जी मल्टी टास्कर लेडी हैं। इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में की है, इन्होंने बीएड भी किया हुआ है और ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट पेंटिंग में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। वैसे शोभना जी कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल स्कूल में आर्ट के टीचर और साइंस मैथ्स की टीचर हैं और लगभग 10-12 साल से स्कूल में वो टीचर के रूप में पढ़ा रही हैं। शोभना जी जो कला में जिनकी माहिर हासिल है उसमें मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, जेंटेंगल आर्ट, मंडाला आर्ट वो सिखाती हैं। शोभना जी ऑनलाइन कलाकारी क्लासेस के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को अपने ये हुनर भी सिखाती हैं। आज वो हमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताना जा रही हैं। वैसे मैं बता दूं, मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला का बहुत ही खास ये आर्ट है। मिथिलांचल रीजन बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको बनाने के लिए शुरू शुरू में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पत्तों से रंग को निकाल करके, निब का इस्तेमाल करके, माचिस की तिलिका से इसकी कलाकारी की जाती थी, जो अब भी काफी चल रही है। तो मैं सभी दर्शकों को आज शोभना जी के पास ले चलती हूँ और हम उनसे सीखते हैं कि किस तरह से मधुबनी आर्ट और पेंटिंग हम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं सभी बच्चों को बता दूं कि हमारे और सभी दर्शकों को ये बता दूं कि हमारे साथ आज राखी रमोला जी हैं और राखी रमोला जी की खासियत जो है वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के लिए है। जिनको सुनने में समझने में कोई परेशानी है तो वो राखी रमोला जी के विंडो को देख सकते हैं। और मैं सभी दर्शकों से, देखने वाले सभी बच्चों से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना कैमरा ऑन रखें ताकि हम आपको देख पाए कि आप किस तरह से इस कलाकारी को कर रहे हैं। और आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आपके पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं। तो प्लीज अपने कैमरा को ऑन रखें ताकि हम अपने इस प्रोग्राम मन भावन को बहुत अच्छे से चला सके। तो मैं चलती हूँ शोभना जी के पास और सबनो शोभना जी का फिर से एक मन भावन में स्वागत करती हूँ। शोभना जी, ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो हम जैसा कि मैम ने आपको सारा बता ही दिया है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ, मैं हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। ओके, तो इस वर्कशॉप में हम लोग मधुबनी पेंटिंग, जैसा मैम ने बताया था, हम वो स्टार्ट करेंगे, वो सीखेंगे। और मैम ने आपको बता ही दिया है कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये वाली आर्ट, और ये बिहार में है और वहाँ से ये, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब इनकी सीता जी वहाँ की हैं, सीता जी की जब विवाह होना था तो सीता जी के जो पिताजी राजा जनक थे उन्होंने वेट हाँ
तो उन्होंने जब उनका बारात आनी थी सीता जी की, तो उन्होंने पूरे मिथिला को एक आर्ट से सजाने का, सबको वहाँ पर जो वहाँ की लोकल महिलाएं थी उनको एक ऑर्डर टाइप, मतलब कि हमारे यहाँ बारात आ रही है जैसे होता है ना हम लोगों में कि बारात आएगी तो पूरा लड़की लड़की वाले अपने एरिया का पूरा सजावट करते हैं, तो वहाँ पूरे उस साइड के सारे गाँव को एक सुंदर आर्ट फॉर्म में सजाया गया था, वहाँ की दीवारों पर और वहाँ के दरवाजों पर, और वो यही ड्राइंग थी। तब सारा काम हम हाथ से और जो पेड़ पौधों के उसके कलर्स वगैरह यूज करते थे, आज के टाइम में क्या है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केच पेन पेंट्स सब, अब ओरिजिनल का टाइम तो इतना नहीं रहा, गांव में तो फिर भी मिल जाता है तो हम लोग स्केल भी यूज कर लेते हैं, पेंसिल भी यूज कर लेते हैं, और आजकल थोड़ा सा सबने अपना अपना एक चेंज भी कर दिया है, तो मैं ज्यादा टाइम इसको समझाने में नहीं लगाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक अच्छी सी एक छोटी सी ड्राइंग आपको बनाकर समझा सकूं और आप मेरे साथ उसका आनंद ले सकें और बनाएं भी साथ में। तो मैं इस समय अपना कैमरा सेट करती हूं ताकि मैं आपको अपनी ड्राइंग इसमें स्टार्ट करवा सकूं, ठीक है? जी मैम, जी मैम, हाँ जी। आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर स्टेशनरी। सभी बच्चे आपको जो बताया गया था शीट पेपर मार्कर आप सभी रेडी? हाँ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे जी बहुत सारे विंडो में दिख रहे हैं बच्चे रेडी हैं। मैम आपका कैमरा ऑफ है शोकना मैम? ऑफ है बस कैमरा अभी ऑन करती हूँ। कैमरा हो गया ऑन, अब आपको दिख रहा है? मैम दिखा? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। आप नहीं दिख पा रहे हो, कैमरा ऑन है लेकिन वैसे आपका कैमरा ऑन आ रहा है ना? अभी ऑफ हो गया, अभी ऑफ हो गया, एक मिनट मैम बस। जी हाँ अभी आ रहा है। अब आ रहा है मैम? जी हाँ जी हाँ। अच्छा क्लियर है, विजिबल है? जी हाँ मैम। ओके तो इसमें फर्स्ट थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरा आपका, ब्लर हो अब रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, तो इस मधुबनी की आर्ट की एक तो विशेषता यह है, फर्स्ट इसमें बॉर्डर मस्ट है। आजकल फिर भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करने लग गए हैं, तो मैं फर्स्ट आई विल टेल यू आई एम गोइंग टू यूज दिस स्केच बुक स्केल एंड ये परमानेंट थिन मार्कर पेंसिल इरेजर एंड स्केच पेंस। सभी बच्चे अपना स्केचबुक या व्हाइट शीट आपके पास है वो निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, स्केल निकाल लें अपने पास, और आपको कहा गया था पतला मार्कर चाहिए परमानेंट मार्कर, वो भी आप निकाल करके रखें, और जैसे मैम कह रही हैं वो आप उनकी विंडो पे देखिए और वैसे ही करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। मैं इस परमानेंट मार्कर से डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है सो यू कैन यूज पेंसिल ऑल्सो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट हमने बॉर्डर बनाना है तो मैंने थोड़ा सा स्पेस इतना सा छोड़कर मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, करिए सब लोग। आपको पेपर में दोनों किनारे मैम ये चारों का तरफ करना है ड्रॉ? हाँ, चारों तरफ करना है। आपको आपके पास जो पेपर है उसके चारों तरफ आपको स्केल से लेके
लाइन खींचनी है। आप ये पहले के जमाने में हाथ से ही करते थे, लेकिन अब चूंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है लोगों को, बच्चे हैं अभी या बिगनर्स हैं, तो उसके लिए हम स्केल का सपोर्ट ले सकते हैं। संगीता मैडम एक बार रिक्वेस्ट कर देते सबको कि बोलिए कैमरा ऑन करने के लिए। जी आप सभी से नहीं आपका ऑन है मैम, शारांश, याशिका, विदित, आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए आईफोन से जो है, जया भारती, बनगुलू, याशिका कालरा, अपना कैमरा आप ऑन नहीं रखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे ना कि आप किस तरह से बना रहे हैं। आप भी बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं और मुझे दिखा, हम लोगों को दिखाइए, हम देखना चाहते हैं आपकी कलाकारी, कोशिश जरूर करिए आप लोग। मैं सभी सारांश प्लीज ओपन योर कैमरा बेटा। मधुबनी की एक विशेषता है इसकी जो मेन लाइन्स हैं वो डबल होती हैं, तो अब मैंने अगर ये लाइन की है तो इसको मैं एक बार और यहाँ पर मैं डबल इसकी लाइन ड्रॉ करूंगी थोड़ा सा गैप लेकर। आपने जो चारों तरफ बच्चे आपने जो चारों तरफ पहले लाइन ड्रॉ कर ली, दिखाइए आप कैमरे में, दिखाइए, शो मी योर कैमरा। हाँ आ चलने, हाँ नहीं मैम सबने ड्रॉ किया, अभी ड्रॉ कर रहे हैं मैम। हाँ करिए करिए, सूरज आप भी दिखाइए, सारांश दिखाइए, आपने ड्रॉ कर लिया, हाँ सारांश ने कर लिया है ड्रॉ। कर लिया, इतना इतना हमें पहले काम करना है। फिर मैं इसके आगे बताती हूँ आपको। आपको अपनी शीट के चारों तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और उसी लाइन को डबल करनी है, बीच में थोड़ा सा गैप दे करके फिर से आपको एक बार और ड्रॉ करनी है। मैम के विंडो में देखिए, मैम ने डबल लाइन इसमें ड्रॉ की है, देखिए थोड़ा सा गैप दे करके मैम ने उसके साथ ही दूसरी लाइन भी ड्रॉ की है। आफरोज दिखाइए अपना, गुड शोहम जी। मैम हम आगे चले, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमारी आउटर लाइन बनी है, अभी मुझे फुल बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए जितना यहाँ पर रखा हुआ है उसके बिल्कुल हम पास में इस स्केल को फिर से रखेंगे और फिर यहाँ पर आप इस बेटर है पेंसिल से कर लो, क्योंकि नहीं तो आप इरेज नहीं कर पाओगे अगर गड़बड़ हो गया तो। एक और लाइन जिससे हम एक बॉर्डर हमारा बन सके चारों तरफ, ठीक है, बिल्कुल लाइन से टच कर, जितना भी हमारा थिक स्केल है इतनी चौड़ाई है तो इतनी चौड़ी हमारी एक लाइन और बन जाएगी। आपको एक और बॉर्डर बनाना है और आपका आपके स्केल की जो चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई की आप बॉर्डर बनाएंगे। इसमें पेंसिल यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम इरेज कर लेंगे इरेजर से। आप
ये एक्स्ट्रा वाला मेरा जो हो गई है लाइन, इसको मैंने इरेजर से इरेज कर लिया। सूरज आप नहीं बना रहे क्या? आप अपनी शीट दिखाइए। सभी लोग जिनका हो गया डबल लाइन, वो कैमरा के पास अपनी शीट को लेके आए, हम लोग देख पाएंगे कि आपने बनाया है या नहीं, अभी कोई बाकी है, क्या क्या कर लिया है। फिर हमें इस लाइन को भी डबल करना है, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है इनर। रोशिया पांडे, रोशनी पांडे जी के कैमरा में भी देख, मैं देख रही हूँ हो गया है। सुजाता पटनायक के कैमरा में भी मैं देख रही हूँ डबल लाइन हो गई, बॉर्डर बन गया है। वेरी गुड। आंचल का भी हो गया बॉर्डर, गुड। आशीष, हाँ आशीष ने भी कर लिया। कोयल आप दिखाइए उठा के बेटा, आप अपना कैमरा के पास लाइए। कोयल का, अंश, मधुमिता, राघव, शाहिल ने भी कर लिया, गुड शाहिल। आशीष अपना दिखाओ आप। वेरी गुड। ये CP8676 उसका नंबर है, आई डोंट नो, बट आपने अभी मुझे शीट दिखाई थी। देख रही हूँ मैम, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया इनके। हाँ बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ू? जी मैम। अच्छा, अब हमने जो ये लाइन बनाई थी इसके हम इसको भी डबल हमें बनाना है, तो एक बार हम सेम तरीके से, या तो इसको हम पहले मैंने चूंकि पेंसिल से बनाया था, इसको मैं परमानेंट मार्कर से फिर इसको कर इसको मैं डबल कर दूंगी। जिस जिसने पेंसिल से बनाया था इसको एक बार मार्कर से ओवर राइटिंग इस पर करके इसको डार्क कर लीजिए इस लाइन को। आपने जो स्क्वायर लाइन ड्रॉ की थी, आपके पास मार्कर भी होगा, आप अपने मार्कर से इस लाइन, पेंसिल की लाइन के ऊपर मार्कर का लाइन लीजिए, ड्रॉ करिए मार्कर से, हाँ। इसको डार्क कर लीजिए मार्कर से। स्केल का सपोर्ट ही लेना है, विदाउट स्केल नहीं करना। अब इसको हम डबल बनाएंगे, थोड़ा सा गैप लेकर, जैसे हमने पहले बनाया था ना डबल लाइन, सेम तरीके से हम इस लाइन के चारों तरफ भी डबल लाइन बनाएंगे। ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। ऐसे आपको बनाते जाना है और ये आपका हो गया यहाँ पर डबल लाइन और हमारा बॉर्डर हो गया, बॉर्डर की आउटलाइन रेडी हो गई है। अभी मुझे इसको डेकोरेट भी करना है, अभी मैं बताऊंगी आपको। आपने जो बॉर्डर बनाया उसके साथ ही साथ एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है, डबल लाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने क्लियर बताया आपको, यहाँ पर डबल लाइन है, यहाँ डबल लाइन है। अब हम इसमें अंदर एक डिजाइन बनाएंगे जिससे ये एक बॉर्डर, मतलब पेंटिंग बन जाएगी और बॉर्डर उसका रेडी हो जाएगा। आपको ऐसे डबल लाइन बनानी है दोनों साइड। नितिन तनेजा, शो मी योर वर्क। यस नितिन, नमस्कार, प्लीज अपना कार्य दिखाइए। आपने काम किया, अरे वाह विदित, वेरी गुड।
आई कैन सी योर वर्क वेरी गुड विदित ध्रुव वाह वेरी गुड वेरी नाइस किंशोक वेरी नाइस मैम आई कंटिन्यू कैन आई कंटिन्यू हम एक बार में हम लोग देख लें कि सारे विंडो में तैयार है कि नहीं ऐसा नहीं कि किसी का छूट जाए एक हाँ, बार बिल्कुल देख लेते हैं हाँ जितने लोगों ने डबल डबल लाइन ड्रॉ कर लिया है प्लीज अपने कैमरे के सामने लाइए ध्रुव आप भी दिखाइए याशिका यस शो मी योर पेपर यस गुड चलो ड्रॉ करो याशिका कर रही है अभी शुभ्रांशु शुभ्रांशु दिखाइए अपना पेपर अपनी शीट दिखाएं अमित ने हो गया अमित का हो गया गुड ई रितेश वेयर इज योर पेपर ई रितेश किंशुक डन गुड किंशुक ध्रुव अरोड़ा का भी हो गया सौरभ चौधरी का मैम देखिए आप जी हाँ मैं देख रही हूँ बहुत बच्चों ने कर लिया है हाँ सोहम ने भी कर लिया आफरोज ने नीतराज राहिल ने नवनीत कुमार के विंडो में जो है गुड चिराग सुजाता पटनायक के विंडो में जी मैम हमने बॉर्डर तो बना ली मैम नहीं हाँ अब हमें बॉर्डर को तो सजाना भी होगा बिल्कुल मैम सभी लोग लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं हम मैं सभी का देख नहीं पा रही हूँ और अच्छा, बाकी कैमरा ऑन नहीं होगा तो आप ड्राइंग में कैसे मजा आएगा कैसे हमें समझ में आएगा कैमरा ऑन करिए अनिल सभी कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे आप लोगों की फोटो भी क्लिक करनी है मैं फोटो कैसे क्लिक करूंगी फिर वंदना ठाकुर बोल रहे हैं वो म्यूट कर लीजिए और आपको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको उर्दू क्लास में मैं सिखाने का रहेगा आप अपनी तरफ से आई वांट द पेरेंट्स टू बी मोर इंटरेक्टिव सो दैट इंदिरा हेलो अच्छा ये तो होस्ट है ना को मैम टू से समथिंग इंदिरा मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए हाँ चलिए जी मैम अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट के लिए बॉर्डर को हमें अब सजाना है कैसे सजाएंगे बॉर्डर को यस उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी तरीका हम बताती हूँ मैं बच्चे देखो मैम के कैमरे के तरफ देखो विंडो में देखो मैम जो हम लोग ड्रॉइंग कर रहे हैं उस बॉर्डर को कैसे हम अब सजाएंगे नाउ आई एम गोइंग टू यूज पेंसिल आप डायरेक्टली मार्कर ना यूज करके आप पेंसिल यूज जी मैम सभी लोग पेंसिल यूज करेंगे मैम प्लीज दूसरा शोभना है उसको भी हाईलाइट हाँ इसको जिसमें मेरी वो दिख रही है ना फाइल उसको हाईलाइट करिए ओके ये वाली स्क्रीन वो हाईलाइट अच्छा वो है इसको हाईलाइट कर हाँ इसको पिन कर दीजिए ना है ना अच्छा हाईलाइट करना होगा इसको आप हाईलाइट कर दीजिए जी मैम एक मिनट इंदिरा मैम आप सुन पा रही हैं संगीता मैडम बोलिए सर ये वाला इनका जो जिसमें ड्रॉ कर रही है ना ये वाला हाईलाइट ये वाला Yes, thank you so much.
आप सभी आप पेंसिल लेकर के जो बॉर्डर है उसको हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। मनोलया में बच्चे सभी आप पेंसिल ले लीजिए और आपने जो अपनी शीट में बॉर्डर बनाई है ना, अब उस बॉर्डर को हमें सजाना है। अगर आप मार्कर के साथ कॉन्फिडेंट हैं कि आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आप मार्कर यूज कर रहे हैं। लेकिन जिसको डाउट है कि वो नहीं यूज कर पाएगा मार्कर से डायरेक्ट, या इरेजर की जरूरत पड़ सकती है, वो प्लीज पेंसिल का यूज करें। ये टोटली हमारे ऊपर है, क्योंकि मैं आप सबको नहीं जानती किसका ड्राइंग वर्क कैसा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। एक अंदाजे से एक ड्राइंग गैप मेंटेन करते हुए हमें ये माउंटेन्स ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं बस। एक बार अप जाना है, एक बार डाउन जाना है। Yes. एक बार आपको अप जाना है, एक बार डाउन, जैसे माउंटेन हम बनाते हैं ना, वैसे आपको ये बनाना है बॉर्डर की तरफ। सेम वे में हम यहां से भी बनाएंगे, चारों तरफ बनेगा ना मैम ये बॉर्डर। यस मैम, हाँ गुड किनशोक बनाइए, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ आप एकदम लगे हुए अपनी शीट के साथ, गुड। कोयल भी ड्रॉ करी, बहुत सुंदर। हाँ चल आप भी दिखाइए, ड्रॉ करते जाइए, बॉर्डर बनाना है आपको चारों तरफ। क्योंकि ये फोर्ट आर्ट है तो लाइन कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वहाँ गांव की लेडीज की द्वारा करी हुई फोक आर्ट है तो इसकी एक ब्यूटी होती है। क्योंकि हम बिल्कुल अगर स्केल से ही हर चीज बनाएंगे तो वो उसका ओरिजिनल टच नहीं रहेगा, नेचुरल नहीं दिखेंगी हमें। हाँ प्रवति दास के विंडो में कुछ कैमरा ऑन है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। आप ड्रॉ कर रहे हैं तो दिखाइए हमें भी, हमें भी देख। हाँ बॉर्डर बनाइए, आप बॉर्डर बनाइए इसके। आपको बनाना है बनाइए इतना। हाँ नवीन मैं देख रही हूँ, बॉर्डर बनाइए आप इसके। ट्रायंगल बनाना तो हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। तभी मैंने मैम ट्रायंगल स्टार्ट किया इनका। अंश के कैमरा में देखिए मैम, उसने कर भी लिया, बहुत सुंदर। दिखाओ अंश। ओह वाह अंश, वेरी गुड अंश। सुजाता पटनायक के कैम हमें भी हो गया। कोयल बासु ने भी, हाँ कोयल बासु ने भी कर लिया। सुजाता पटनायक, गुड, वेरी गुड, वेल डन सुजाता। ध्रुव अरोरा ऑल्सो। राजन आप भी दिखाइए अपना शीट। किंशुक इज ऑल्सो डूइंग। यस सोनाली, वेरी गुड सोनाली मंडल। राघव वेल डन। यस राघव यू आर स्माइलिंग।
राघव अच्छे लग रहे हो आप। ध्रुव ऑल्सो, ध्रुव मणि वेयर, मणि वेयर इज योर शीट, मणि शीट शीट योर शीट। Nitin is also doing perfectly. So Branshu भी लगे हुए हैं, देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। जी जी जी, अफशा भी अच्छा कर रही है। थैंक यू अफशा की मदर, आप हेल्प कर रही हैं, वेरी गुड। अमित वेयर इज योर शीट, अमित शीट दिखाइए आप अपनी। अनिल ने भी देखो कितना अच्छा बनाया है। जी जी, ओह अहमद, नुजैर अहमद, अच्छा बाकी सबके कैमरे कैसे ऑफ हैं? निशा, सोमिया कैमरा नहीं खोले हैं ये। अच्छा प्लीज सब लोग अपने अपना कैमरा ऑन करिए। अदित्री सक्सेना वेरी गुड, प्रिया मंडल गुड 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 गुड, रितेश 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 गुड, अफशा देखो अफशा की मम्मा कितना अच्छे से सपोर्ट कर रही है, वेरी गुड। जी जी, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, हाँ, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। हाँ ऐसे करते करते हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। बिल्कुल आर्य गुप्ता वेल डन, अदिति सक्सेना वेल डन। अदिति देखिए मैम अपने ब्रदर को वो कराती है एक के एपिसोड में वो बैठा के। वेल डन अदिति, बहुत अच्छा, बहुत दैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड। और अदिति स्माइल कर रही है तो गुड। रमैया पेपर, रमैया पेपर शीट, यस गुड मैम। मोटो सी प्लस, मोटो सी प्लस, यस वेरी गुड। ये हम लोग साउथ की तरफ से लोग भी हैं, काफी इसमें लोग हैं। अच्छा साउथ की तरफ से भी हाँ है, हाँ बहुत, राजस्थान गुजरात उड़ीसा, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य से हैं, जैसे गुजरात से हैं, जयपुर से हैं, साउथ से हैं, चेन्नई से हैं, उड़ीसा से हैं, तो काफी लोग हमारे इस मन भावन में, हम भारत देश के बहुत से कोने से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। इस प्रोग्राम की खासियत ये है। एस अफरोज वेल डन, एस अफरोज, साहिल सिंह गुड, चिराग वेरी गुड, सुजाता पटनायक। जी हाँ मेरे ख्याल से लगता है सबकी बॉर्डर अब हो चुकी है, हो चुकी अब है इसमें ना, कुछ और कलाकारी की जरूरत है। हाँ आगे मैम मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर। जी 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 जी, अब हम इस लाइन को डबल बनाएंगे कैसे ये मैं बताती हूँ। देखो और एक ही साइड से बनाना है, हमें दोनों साइड से नहीं बनाना। आपने जो अपने बॉर्डर को ट्रायंगल या माउंटेन बनाया है, अब उस माउंटेन में एक और छोटा सा माउंटेन आपको बनाना है और डबल कर देना है उसको। देखिए मैम के विंडो में देखिए, बस नीचे वाले माउंटेन को बनाना है, जो नीचे हमारे साइड में माउंटेन है सिर्फ उसको डबल करना है।
सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करेंगे. Yes, Bhuvneshwari, what do you want to say? Ma'am, Bhuvneshwari ne apna haan main dekhti hu. अभी मैम हम लोग कैमरा ऑन करेंगे, ये बच्चों को अनम्यूट करेंगे और फिर हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि वो कहाँ तक उनको कैसा लगा, फिर मैम हम लोग बात करेंगे बच्चों से भी. ओके मैम, कर दूं? जी हाँ सर, एक भुवनेश्वरी कुछ कहना चाहती है, एक बार पूछ लें उससे. भुवनेश्वरी आप क्या कहना चाहते हैं, आप कौन से विंडो पे हैं? किसी की माइक अनम्यूट है ना, तो आवाज आ रही है. यस कैसा लगा आपको, आपने यहाँ तक जो बनाया आपको कैसा लगा मधुबनी पेंटिंग का? अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम. ओडिशा लोग भी है. थैंक यू, वेरी गुड. लोग भी है. आपको भी अच्छा लगा और हमें अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा लग रहा है आपको. मैम अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आंचल वेरी गुड. चूरी चूरी पेंटिंग मैम मधुबनी अच्छा लगा. मधुबनी आर्ट अच्छा लगा. अर्चना वैद्य सिंह मधुबनी आर्ट अच्छा लगा. वेरी गुड मैम. मैं मधुबनी गया हूँ. मैं मधुबनी गया हूँ. गुड अच्छा वेरी गुड. राघव ने देखो कितना अच्छा बनाया है. जी जी गैलेक्सी M20 वेरी गुड. मुझे नाम नहीं दिख रहा, गैलेक्सी M20 दिख रहा है स्क्रीन पर. गैलेक्सी M20 है. वन बाय वन करके बोलिए, सबको सुनेंगे. ये शाशिनी मैम कितना अच्छे से बना रही है मैम. जी यस भारती. अरे वाह एस अफरोज वेरी गुड. यस बोलिए. यस बेटा बोलो. क्या बोला? थैंक यू. अनिश के सिस्टर ने कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया. उसने कहा नाइस. ओ वेरी गुड. लवली डेफिनेशन. थैंक यू सो मच. अफशा को भी अच्छा लगा. अच्छा लगा पेंटिंग. अच्छा आदित्य के भैया को भी पसंद आया. मैम आपको भी मैम बहुत चौकीना थी. हाउ जी क्लास बहुत मैम. जी शाहिल
बनाया है ये बॉर्डर जो बनाया है मुझे सब में मुझे भेज दो। ठीक है शाही, अभी तो ये पूरी बनी नहीं है, अभी तो पूरा बनाना बाकी है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सबका कैसा लगा। अभी तो हम लोग आधा बनाए हैं, अभी हम लोग आधा और बनाएंगे। आलोक चलते हैं मैम, हम लोग आगे चले। सर म्यूट कर दीजिए सबको। अब मैम देखिए, हाँ मैं देख रही हूँ। Now unmute yourself. मैम अपना क्या अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। शोभना मैम हाँ जी हाँ जी हाँ चलिए चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे और फिर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए हमने बाहर तो बॉर्डर को बना लिया, अब हमें अंदर भी सजाना है इसको, तब ये पेंटिंग कंप्लीट होगी। अच्छा फिश किस किस को ड्रॉ करनी आती है? फिश ड्रॉ करनी है? फिश ड्रॉ करने तो सबको आती है मैम, सबको। चलो आज हम फिश ड्रॉ करना सिखाते हैं, है ना? मैंने पेंसिल से ये कर्व बनाया और इसको फिर मैंने ऐसे कर दिया। ये फिश की पूंछ बन गई। इतना बनाओ पहले। आपको फिश बनाने के लिए पहले एक हाफ सर्कल एक तरफ और दूसरे तरफ भी हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। आप देख रहे हो मैम ने जैसे कि नहीं है फिश। मैम इन लोगों को ये फिश समझ में आएगी या मैं इजी बनाऊं? थोड़ा सा इजी कर दीजिए क्योंकि कर्व ज्यादा है तो थोड़ा सा मुझे लगता है। अच्छा। कुछ बना लेंगे कुछ थोड़ा सा। इतना तो आप इजीली बना सकते हो ना? मैं यहाँ दोनों तरफ हाफ सर्कल तो वो कर लेंगे बहुत आराम से। आप तब तक दोनों तरफ हाफ सर्कल करके रखिए, फिर फिश की जो टेल है फिश की जो पूंछ है उसको हम लोग थोड़ा और इजी करके बनाएंगे। आपने जो बॉर्डर बनाई उसके बीच की जो जगह है उसको दोनों तरफ से हाफ सर्कल करिए। इतना बनाओ पहले फिर मैं इसको करती हूँ। मैम इतना कर पाएंगे? जी हाँ कर लेंगे। चिराग आगे भी बनाइए, उसको फिश को ड्रॉ करना है आपको। यस रोशनी
मैम आपको ये रोशनी की फिश दिख रहा है कुछ? मेरे को नहीं दिख रहा रोशनी. जिज्ञासा. यस आई कैन सी योर फिश. गुड. जिज्ञासा ने बना लिया. गुड. रोशनी की थोड़ी डार्क नहीं है वैसे. रोशनी ने ड्रॉ तो किया है. हाँ हाँ वो डार्क नहीं है ना तभी मुझे नहीं समझ में आ रहा. सुजाता की भी हो गई है फिश ड्रॉ. सोहम की भी. याशिका कालरा की भी. सूरज थोड़ा सा पीछे करो बेटा आपका दिख नहीं रहा कैमरा से. लाइट बहुत आ रही है. किंशुक की भी हो गई है. गुड किंशुक. अमिताशा का देखें. अमिताशा दिखाओ कैमरा में. फिश ड्रॉ हो गई अमिताशा की. गुड है. माधव. माधव भालेराव किस आप भी बनाइए. आशीष हो गई आपकी. शीट दिखाइए. गुड. फिश हो गई आशीष की भी. कोयल बना रही है अभी. अच्छा फिश ड्रॉ करो. आंचल फिश ड्रॉ करो. सॉरी. शिवी वेर इज योर शीट. ओ शिवी का देखिए मैम. हाँ शिवी का. शिवी का कहाँ है अभी देखती हूँ मैम. शिवी और कैमरा के सामने रखो. शिवी अभी बस मुझे शिवी की स्क्रीन नहीं दिखी है. मैं शिवी को ही सर्च कर रही हूँ मैम. रुचि बंसल को देखा मैंने. ध्रुव अरोड़ा. अरे वाह शिवी वेरी गुड वेरी नाइस. क्या बात है अमेजिंग. खुशी को देखो मैम. खुशी भी लगी हुई है. देख रही हूँ. हाँ मणि 1407. गोकुल. गोकुल है 1407. मणि ने देखो. हाँ मणि वेरी गुड. आगे करूँ कंटिन्यू मैम? जी मैं ऑलमोस्ट सब कर लिए हैं. हाँ सबने कर लिया. जी वेरी गुड. Now we move. अच्छा अगर आप यही वाला क्योंकि मेरे इरेजर से ना ये पूरा इसका मार्क नहीं जा रहा तो मैं इजी वे में समझाऊंगा. यही वाला रहने दूं क्या बच्चे कर पा रहे हैं क्या? इतना तक कर लिए बस इसको जोड़ना. बहुत लोग बना भी लिए हैं. ठीक है आप यही रहने दीजिए. हाँ फिश की आपको टेल बनानी है. आप टेल बनाओ फिश की. राघव ने बना लिया है. गुड. जिज्ञासा आप भी दिखाते रहिए बेटा शीट. इसको मैं मार्कर से इसको डार्क कर दिया मैंने. अब जो पेंसिल से फिश बनाए हैं अब उसको मार्कर से आप डार्क करिए. क्षितिज आप बनाए हैं दिखाइए आप अपना शीट. फिश. ओहो बहुत सुंदर फिश बनी है क्षितिज की. गुड. नवीन. गुड क्षितिज. नवीन दिखाइए.
नवीन शीट दिखाइए, बॉर्डर बना रहे हैं अभी आप, जल्दी जल्दी बॉर्डर करिए और फिर फिश बनाना है आपको। हाँ अच्छा बना रहे हैं जी, लेकिन पूरा भी करना है इसको। अच्छा सबके कैमरे ऑन नहीं है, प्लीज ऑन योर कैमरा एवरीबॉडी, प्लीज ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा नाउ, मेक इट। कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और अब हम फिश की आउटर लाइन को अगेन डबल करेंगे, जैसा मैंने बताया था मधुबनी आर्ट में ये खासियत होती है कि जो मेन लाइंस होती हैं वो डबल होती हैं, यही इसकी खूबसूरती है। आपने जो फिश बनाया है ना, अब उसको डबल लाइन करना है। मैम के विंडो में देखो, मैम उसको डबल लाइन कर रही हैं। आप भी अपने फिश को डबल लाइन करिए। संगीता मैम, स्टिल बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं। सो मैम नहीं, हाँ वही मैं कह रही हूँ, हमारे एक्सपर्ट भी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, और मुझे लगता है। आई एम सॉरी, मैं फिर इनको रिमूव करूंगी या फिर वेटिंग लिस्ट में डालूंगी। आई एम सॉरी, ये मनभावन का प्लेटफॉर्म नहीं है। मनभावन में हमारे बच्चे होते हैं, हमें बच्चों को देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, और इतने खूबसूरत काम वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कैमरा को ऑफ कर दें। प्लीज जो लोग हैं, रुचि बंसल, एम राधा, माला भारती, वंदना ठाकुर, निशा, मनोज कुमार, पात्रा, पूजा कुमारी, आप नहीं भी ड्रॉ करें, कम से कम हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है ना, देखना है उनको, इनके अंदर भी इतनी अच्छी कला है, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बसंत कुमार, के मंगेश, सबने फिश की डबल लाइन कर ली। ये रोशनी पाट्या के कैमरे में बहुत सुंदर है, गुड। यस रुचि बंसल जी, आप इतना अच्छा ड्रॉ करवा रही थी और आप कैमरा ऑफ कर रखे थे। अफरोज बहुत सुंदर जी। हाँ मैम देखिए, कैमरा किसी का ऑन हुआ है लगता नहीं जी, रुचि बंसल का ऑन हुआ है, और देखिए कितनी खूबसूरती से बन रही है, तो आपकी ये खूबसूरती तो छुपी रह जाएगी ना मैम। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अगर आप टिप्स लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप भी उसको कीजिए, अदरवाइज फिर तो आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी कहीं भी आप दो दो तीन तीन मीटिंग एट अ टाइम कैमरा ऑफ करके अटेंड कर सकते हैं, तो इसमें मनभावन का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर हमारे जो यंगस्टर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये आपके लाइफ में काम आएगा। मधुबनी आर्ट ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये आपको सीखना चाहिए यहाँ पे। याशिका गुड बेटा, मधुमिता शो मी, रितु आप शीट दिखाइए बेटा कैमरे की तरफ, जितना बनाए हैं वो दिखाइए। हाँ गुड मधुमिता, रितु, जिज्ञासा, आशीष, रोशनी, प्रिया मंडल का भी बहुत सुंदर है, प्रिया मंडल ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा प्रिया मंडल जी, साई सरन, गुड शिवी, वाओ शिवी। अच्छा किंशुक का देखिए, किंशुक वेरी गुड, किंशुक हमारा मनभावन का चैंपियन, लिटिल चैंपियन है। अच्छा बहुत अच्छा करता है वो। साहिल, यस साहिल देख रहे हैं बेटा आपका, यस यशिका वेरी गुड। और डेफिनेटली इसमें अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे केयरटेकर हमारे स्टूडेंट की मदद नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये इतना खूबसूरत नहीं बनेगा, तो कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो आप उसको छुपाएं, बिल्कुल मत छुपाएं, आप हेल्प कीजिए हमारे बच्चों का, तभी तो बच्चे सीखेंगे। प्रिया मोंडल, डी साई सरन, वेरी नाइस। शाशनी के कैमरे से अम्मा ने या मम्मी ने मदद किया है, बहुत अच्छा। अदित्री के कैमरे से भी अच्छा आ रहा है, अभी इवन का कई कैमरे अभी भी ऑफ आ रहे हैं। यस आई नो, आफशा वेरी गुड, आफशा
आईफोन इसका लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बनाया है ऋतिक, आईफोन से ऋतिक है। अच्छा आगे कंटिन्यू करें मैम। यस मैम। जी मैम, फिश तो सबका बन गया है। पूजा आप लोग जो भी हो, आप हमारे स्पेशल कमिंग स्पेशल एजुकेटर्स हो, तो आप लोगों को ये सीखना चाहिए था। अब हम यू शेप के तरीके से डिजाइन बना रहे हैं। अब फिश के अंदर आपको यू लिखना है, जो फिश की शल्क बनेगी। सोहम बनाइए। आंचल आप दिखाइए कि कहां तक किए फिश के अंदर करना आपको विजिबल है। मैंने यू शेप बनाकर टू टाइम्स और इसको डबल कर दिया है। जी हाँ विजिबल है। आंचल का कैमरा देखिए मैम, आंचल ने कर लिया। गुड। अच्छा यस आशीष वेरी गुड। सोहम गुड। विदित कालरा ने भी हो गया। विदित कालरा का देखा मैंने। यस साहिल वेरी गुड। गैलेक्सी M20 आयुष और आयुष की बहन तो बहुत प्यारे प्यारे हैं और मुझे तो सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आदित्य राजन आप भी दिखाइए। राजन रोशनी पांडे देखिए आप कितने अच्छे से लगे हुए। यस आशा देखा मैंने आपका, अच्छा लग रहा है बहुत। अदिति सक्सेना आईफोन ये कौन है आई डोंट नो बट अच्छा लग रहा है। रोशनी पांडे का देख लिया मैंने। वेरी गुड रोशनी, एक बार स्माइल तो कर दो रोशनी पांड्या। यस शुभ्रांशु का भी हो गया, शिवी का भी। नाउ मेक ए स्मॉल सर्कल। संगीता मैम मैं बताना चाहूंगी मेरे सिस्टम पे जब मैं पेज नंबर 2 पे जा रही हूँ सभी के कैमरे ऑन है और वो फोटो इतनी खूबसूरती से आ रहा है कि शेयर करिएगा जरूर। जी। मैं उसी को क्लिक कर रही हूँ। मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग विंडो अपना ऑन रखें ताकि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों सभी का देखने के लिए। HP 0809 आप बहुत अच्छा बनाते हो, आप थोड़ा सा अपना सीट के ऊपर कैमरा को फोकस करो क्योंकि मैंने आपका पहले भी आर्ट देखा है। HP 0809 अच्छा बेटर रहेगा आप अपना नाम उस पर लिख दें। डेफिनेटली डिवाइस आप डिवाइस का नाम आता है ना तो इजी नहीं रहता पहचानना बच्चे को, कई बार सेम डिवाइस 2-3 लोगों की होती है तो टफ हो जाता है। काका दिखाइए आप अपना शीट कैमरे के सामने, थोड़ा सा और पास लाइए बेटा। हाँ अच्छा लग रहा है बहुत खूबसूरत। अमित अच्छा बनाए हैं। चिराग गांगुली भी के भी विंडो से अच्छा कोशिश हो रही है, अच्छी कोशिश हो रही है और काफी बहुत सुंदर। शुभ्रांशु अमित शो करो शुभ्रांशु आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, दिखाओ।
वेरी नाइस बी प्रियंका के कैमरा में ऑफ हो गया पहले ऑन था अभी अचानक हाँ यस गुड फिश को बच्चे अच्छे से सजा रहे हैं बहुत अच्छा ई रितेश शीट वेयर इज योर शीट ई रितेश आप अच्छा ड्रॉ करते गुड गुड ड्राइंग ई रितेश हाँ वेरी गुड ई रितेश वेल डन आदित्य मोहंती बहुत अच्छा याशिका शीट बच्चे ओ डिफरेंट बहुत सुंदर माउंटेन एकदम अप एंड डाउन बहुत सुंदर अब हम लोग फिश के टेल को भी देखो कैसे हाफ सर्कल कर रहे हैं और उसको डिजाइन कर रहे हैं आप भी अपनी जो मछली बनाई है मछली की पूंछ को सजाना है आपको छोटे छोटे हाफ सर्कल करने हैं और उसकी पूंछ को सजाना है आपको राजन जल्दी जल्दी करिए और जितनी भी चीजें आप लोग मन भावन में सीखते हो आप उसको फिर जब भी आपको खाली समय मिले आपका मन करे आप उसको फिर से रिपीट करो तो ऐसे में क्या होगा प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगा यस किंशुक की मम्मी मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि आप पार्टिसिपेट करवाइए उसका वो देख रहा है या नहीं देख रहा है ये आपको बाद में रिजल्ट पता चलेगा जैसे अभी आप करवा रहे हैं कि उसके हाथ पकड़ के आप उसको इतना स्टिमुलेट कर रहे हैं अब शाह बहुत खूबसूरत बच्चे चिराग गांगुली के विंडो से भी अच्छा है आरव गुप्ता रेड कलर यूज किया बहुत ही खूबसूरत है बिंदु कॉल के विंडो से भी है शाशिनी के कैमरे में देखिए मैम अम्मा बना रही है अम्मा कितनी तसल्ली से उसको बनाने में लगी हुई है हाँ अम्मा तो बहुत अच्छा बना रही है बहुत अच्छा बनाती हाँ, है एवरीडे आती है और सीखती है फिर शाशिनी को सिखाती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा कोयल बासु भी बहुत अच्छे तरीके से बना रही है रमैया शो मी योर शीट रमैया ये डायगोनल लाइन से मैंने इसको फिल किया है ये डिटेल वर्क है थोड़ा सा नीटनेस की जरूरत है नवीन फिश बन गई आपकी वोट दिखाइए शीट दिखाइए थोड़ा पास लाएंगे कैमरे के हाँ पूरी करिए इसको डिजाइन उसके टेल को पूरा करिए उसकी पूंछ को सजाइए अच्छा मैं इसको थोड़ा सा स्केच पेंस को यूज करना भी इसमें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं ना मैम यस मैम कोई भी जो आपकी चॉइस है ओके
चाहो मैडम, रश्मि किधर है? आज तो रश्मि का सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा यहाँ कर कर दिखाती हूँ, अदरवाइज आप कोई से भी कलर से आप इसको फिल कर सकते हैं। बहुत सुंदर शाहू मैडम का तो फिश बन गया, बहुत ही सुंदर आ रहा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैडम। कौन सी है शाहू मैम? गैलेक्सी M20 से हैं। ओके, उनका पूरा फिश भी बन गया है, काफी अच्छा लग रहा है। आप इसको किसी भी डिजाइन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। शुभ्रांशु, अदरवाइज पोस्टर कलर, एक्रिलिक पेंट, हम किसी से भी इसको बना सकते हैं। राघव, चिराग, गुड, नवीन आप कलर भी करना है, जो माउंटेन किनारे बॉर्डर बनाए हैं बेटा उसको आपको स्केच पेन से कलर करना है। अब यहाँ आप अपनी चॉइस का कलर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेड ही और ग्रीन ही यूज करना है, जो आपको पसंद है बट वो अच्छा लगना चाहिए। She will also try. Very nice. This one Shika. Is... इशिका की विंडो से है। सो नाउ आई एम पोस्टिंग। राघव का बहुत सुंदर बन गया है। नितिन जी को मैं हाईलाइट करती हूँ। yes. अच्छा, मैम आगे अभी टाइम है क्या? नितिन सर नमस्कार, आज आप भी ड्रॉप में लगे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं जो इसको रेडी कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ इसको इम्बोज करने के लिए, डिजाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। फिश के ऊपर एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आशीष, वेरी नाइस, बहुत अच्छी कोशिश। सारे बॉर्डर ड्रॉ कर दो बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड आशीष, बहुत सुंदर। अब हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे ताकि ये हाईलाइट हो। इसको डार्क बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा नीटली वर्क करना है। बच्चे लोग आप, मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ, मार्कर से, आप लोग पेंसिल से कर लेना ताकि डिजाइन गड़बड़ ना हो। बिंदु
कॉल के विंडो में जो बच्चियां बना रही हैं दिखाओ मुझे, शो करो बच्चे अपना पेपर, शो करो विंडो कॉल के विंडो पे। अमृता अमिताशा सिन्हा, यस गुड अटेम्प्ट। मैम इन सब पेरेंट्स को यूट्यूब चैनल का आप लिंक भी शेयर कर सकते हो। जी जी मैं कर दूंगी। हाँ क्योंकि वहाँ भी इनको काफी कुछ, इनके मतलब का है, काफी कुछ है जिज्ञासा। आप कहाँ हो आप दिखाओ अगर अपना। तो मेरा फोन नंबर लेना चाहें तो आप फोन नंबर भी इनको दे सकते हैं। जी मैम हमारा मेन डिजाइन हुआ। अब इसको आप, मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा, टाइम का ध्यान रखते हुए। देयर इज द पेंसिल। अब हम इसको जो खाली स्पेस है ना उसको हम थोड़ा थोड़ा फिल कर देते हैं। आपकी शीट की जो खाली स्पेस बची है अब हमें उसको ड्रॉ करना है उसके ऊपर। देखिए मैम कैसे कर रही है, वैसे आपको पूरे पेपर को फिल करना है। मैम ये दिख रहा है डिजाइन, दिख पा रहा है? मैम दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और इसको हम बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पूरे में फिल होगा, नहीं तो हमारी फिश नहीं दिखेगी। इसको क्या पेंसिल से ही करेंगे या पेन से बाद में करेंगे? नहीं, आप जेल पेन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल जेल पेन से, ब्लैक जेल पेन से कर सकते हैं। जेल पेन देना है, मैं अभी दिखा देती हूँ। या ये रहा पायलट पेन है, इससे कर सकते हैं, कोई भी कलर से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कलर से भी कर सकते हैं, वो मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे करा है। जिज्ञासा दिखाइए अपना शीट। हाँ गुड। अब जो खाली जगह बची हुई है ना उसको जिज्ञासा फिल करना है, जैसे मैम कर रही है वैसे आपको फिल करना है पूरा। क्षितिज शीट दिखाइए अपनी। हाँ उसको और भी सजाएंगे, अपनी मछली को और भी सजाएंगे, उसको और भी ड्रॉ करेंगे, उसमें हाफ सर्कल बनाएंगे शीट में। बेटा फिश को सजाना है ना हमें। गुड क्षितिज, उसको और भी सजाइए। संगीता मैम आप देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे केयर गिवर्स की शिकायत रहती है कि बच्चा टिक के नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, इधर उधर भाग रहा है। बट यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हों चाहे अपने सिबलिंग के साथ बैठे हों, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया और वो लोग बहुत बारीकी से उसको देख रहे हैं, चाहे जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ पकड़ के कर रहे हैं या स्वयं खुद से कर रहे हैं। तो
दिखता है कि अगर हम कुछ शिद्दत से करने की कोशिश करें, पूरा तन मन लगा के करें, तो जरूर हमारे बच्चे भी रितेश का देखिए मैम कितना अच्छा बनाया है जी, देखते हैं। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो ये देखती हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसे उनकी बैठने की आदत भी बहुत अच्छी बनती जा रही है, सिटिंग टॉलरेंस बहुत अच्छी होती जा रही है। और फिंगर्स का होल्ड, एक ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो कितनी डेवलप, फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छी हो गई है। मैं राजन को देख रही हूँ कि वो थक रहा है लेकिन तब भी उसके अंदर एनर्जी है और वो करता जा रहा है। और साहू मैडम पटनायक का देखिए, मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, आपका बहुत सुंदर मुझे दिख रहा है। सुजाता पटनायक का भी देखिए, और ये है राजन की वो सिस्टर है और बहुत हेल्प करती है उसको इन सब चीज में, बहुत बहुत ज्यादा। हैट्स ऑफ टू मैम इंदु मैम। हाँ सही में, और आपके सहयोग से ही तो बच्चे सीखेंगे। देखिए साहिल सिंह का देखिए मैम, साहिल रितेश ध्रुव अरोरा। शाहू मैम कैन यू शो अगेन, आप एक बार फिर दिखाएंगे। कौन सी है शाहू मैम? ये है शाहू मैम, उड़ीसा से है मैम। उड़ीसा से है, ओके जी, गुड। कलर कॉम्बिनेशन मैम का बहुत वो अच्छा रहता है। राघव ये पहले बनाए हो या अभी बनाए हो? ये अभी बनाए हो, पहले बनाए हो? कुछ और भी कलाकारी हो गई। हाँ कुछ डिफरेंट है। हाँ अच्छी बात है। यस आर्ट ही एक ऐसी चीज है जहाँ आप अपना फॉर्म यूज कर सकते हैं। इनोवेशन आप लगाइए। आरव गुप्ता मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, रेड कलर से बनाया है। जस्ट वेयर इज आरव? हाँ बहुत सुंदर है आरव का, मैं देख पा रही हूँ। हाँ मैं अपने लैपटॉप में उसको नहीं ढूंढ पा रही हूँ, बट मैं फोन में उसको देखी हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ध्रुव का भी सुंदर है, ध्रुव अरोड़ा। अब उसको कलर करिए ध्रुव। रोशनी पांडे का देखिए मैम, ये पांडे सोहन दिखाओ मम्मी ने कैसा। पीछे हो बेटा, पीछे हो, पीछे हो। हाँ यस वेरी नाइस सोहन और गुड मनोलिया। यस मनोलिया में काका बहुत अच्छा। हाँ एस अफरोज, किंशुक की मम्मी आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बनाते हो। अफरोज वेट मैं माधव का भी देखिए जी। अफरोज थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा नीचे करो। नहीं दिख रहा है लाइट हो रहा, लाइट आ रहा। हाँ यस 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 बहुत सुपर वेरी नाइस। अफरोज बाल कट गए कहाँ गए हैं? और अफसा का भी देखिए। हाँ अफसा का देखा मैंने मैम। मैडम इसको किस तरह से कंप्लीट कर रही है वो आप सभी
देख पाएंगे। तो ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है जैसे अभी आप कर रही हैं मैम? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही कंप्लीट करना है और उसके बाद हमारी चॉइस है, हम कोई से भी कलर से इसको फिल करके इसकी सुंदरता। वेरी गुड अफशा। अफशा जब भी नाम लिखते हैं ना बेटा नीचे लिखा करो, नहीं तो ये ड्रॉइंग आपकी खराब हो जाएगी। हमें अगर किसी और को देना भी हो रेडी हो जाएगी उसके बाद हम इसको बाइंड करा सकते हैं, फ्रेम करा सकते हैं। यस आई नो कि मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत है और कितना वो महंगा बिकता है, उसके बारे में भी हमें मालूम है क्योंकि हम लोग खुद मधुबनी पेंटिंग को परचेज करते हैं, तो हमें मालूम है कि कितना महंगा वो बिकता है। और इवन इसके इसका बॉर्डर ब्राइट करने के लिए ना आप ये जो पतला वाला बॉर्डर है और यहाँ पर इसको आप फिल कर दो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मतलब आपकी चॉइस है, आप किसी भी कलर से कर सकते हो। अमिता सिन्हा सो मी, आप तो बहुत कलर वलर सब फिल कर दिए। थोड़ा सा हम ये समझेंगे, राखी तुम जरूर इसको इंटरप्रिटेट करो क्योंकि अमिता साइन लैंग्वेज समझती है। तो बच्चे हम इसको ऐसे करेंगे कि पेंटिंग की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन आपको जो आता है आपको वहाँ पे अनलर्न करना होगा और जो नया सिखाया जा रहा है उसको सीखना होगा, तभी आप नए चीज़ों को सीख पाओगे। मैं इसमें मैम क्या प्रेफर करती हूँ, मैं यूज करती हूँ एक्रिलिक पेंट्स जी। हाँ। उसकी कलर और ब्राइट होती है, बहुत तो ब्राइट होती है, उभर के आती है, बहुत सुंदर लगते हैं। नवीन छोड़ दिया, छोड़ के बैठ गया नवीन, थक गया। हाँ इतना जल्दी थक गया, लेकिन नवीन जैसा बताया जाता वैसे बनाओ तो तुम्हें और अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है हमें जो आता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ सीख तो आपको आता है ना, आपको नया आर्ट फॉर्म सीखना है तो क्या करोगे, अपना उसमें मिक्स नहीं करना तो नया वाला नहीं सीख पाओगे। कैमरे से फ्रेम करा दे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और यही सब अगर आप इसको अपने अपने पास संभाल के रखोगे, संजो के रखोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपने इतना इतनी वैरायटी ऑफ आर्ट को सीखा है। आप सुंदर सुंदर बनाइए, फ्रेम करवा लीजिए, परमानेंट आपकी घर की दीवारों पर सुंदर ही लगता रहेगा, घर की दीवारें सुंदर ही बनाएगा। और किंसु की मम्मी आज तो आप इसको फ्रेम करा ही लीजिएगा, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। या फिर आप इसको एक बार और बनाएंगे तो आपके हाथ मतलब बहुत अच्छा जम जाएगा। इंशुक भी बैठ के एकदम तसल्ली बख्श उसने। मैं आज वही बात कर रही थी, इनकी मम्मी से ही बात कर रही थी और मैं वही देख रही थी और अभी इसको देख रही हूँ, पिछले डेढ़ घंटा होने वाला है और ये बच्चा मेरे बैठा हुआ है। वेरी नाइस। मेन क्या होता है, अगर आप बॉर्डर को अच्छे से हाईलाइट कर दो ना तो पिक्चर का मजा ही अलग हो जाता है। वेरी गुड मधुमिता, अच्छी कोशिश है, दोबारा से तीन बार चार बार करेंगे तो आपको अच्छा बन जाएगा। हमें सब में कलर्स की जरूरत नहीं है, पूरा कलर नहीं करने की जरूरत है क्योंकि स्केच पेन से आप ज्यादा कलर करोगे तो वो भी मजा नहीं आएगा। ठीक है संगीता मैम, ठीक है करें? जी जी आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया होगा इतने से। जी आप बेसिक समझ में आ गया, जैसे बहुत लोगों ने बॉर्डर नहीं किया है तो हाँ। अब वो बॉर्डर पूरा कर लेंगे तो उनकी ये पूरी मधुबनी पेंटिंग जो है वो बन के पूरी तैयार हो जाएगी। हाँ। और जी थोड़ा सा अपना सीधा करें आर्ट को। यस टू गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। पृथ्वी की मम्मी आप यहाँ पे हैं, आप इस चीज को देखिए कि अगर हम पृथ्वी को अभी से बारीकी से
उसका हैंड फंक्शन पे काम करेंगे, इस तरह के आर्ट लाइन खींचना सिखाएंगे। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली लाइन पे डिपेंड करता है, और अगर आप उसको इतने अच्छे से लाइन है, कर्व है, कर्व सर्कल है, जो हम प्री राइटिंग में के लिए सीखते हैं। हाँ, ये सारा चीज मधुबनी पेंटिंग में सारा चीज वही है, प्री राइटिंग स्किल्स का ही है। तो अगर हम अपने छोटे बच्चों को इस वे में भी पेंटिंग के वे में ही करेंगे तो उसका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बड़ी। तो मुझे तो देख के लग रहा है कि कि हमारे बच्चों के अंदर मधुबनी पेंटिंग की बेसिक चीजें तो आ गई हैं। अब थोड़ा अच्छे से डायरेक्शन दिया जाए तो ये बहुत जल्दी इसको भी सीख सकते हैं और बना सकते हैं। और जितने बच्चे अब दो बार तीन बार इसको घर में अगर प्रैक्टिस करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और भाई बहनों के साथ, टीचर्स के साथ, केयर गिवर के साथ, तो आप भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को देख करके। और मैं शोभना मैम को बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि शोभना मैम ने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, वो पूरा दिन क्लास ली हैं, क्लास लेने के बाद आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे बच्चों को इतना वैल्यूबल टाइम दी है। तो थैंक यू शोभना मैम। और साथ ही साथ मैं, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये जी। तो एक बार इंदिरा मैम हम लोग बच्चों से एक बार पूछ ले कि कैसा लगा उनको। जरूर जरूर। आलोक सर एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी का माइक अनम्यूट कर दें। यस, आप सभी का माइक अनम्यूट हो गया है। आपको कुछ कहना है तो बताइए मैम से, कुछ कहना है। कहना है हाँ जी, मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत अमेजिंग लोग हो, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। आगे कुछ हमको तो आप फोन नंबर ले सकते हो मैडम, मैं दे दूंगी आपको, मैम दे देंगी यहाँ पर। हम रश्मि नमस्ते कर रहे हैं। रश्मि नमस्ते करिए, रश्मि नमस्ते। रश्मि को तो बहुत बड़ा प्राइज मिला है। अच्छा, वेरी गुड मैम, नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते। देखिए सुंदर है, सुंदर है सबका। बोलिए आप ने बहुत अच्छा बनाया। हाँ राघव बोलो, हमें तो बच्चों के नाम याद हो गए। बहुत सुंदर है। मैं तो कहूंगी आप यूट्यूब पर यहीं पर शेयर कर दीजिए। मैम ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारा ये जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा,
बन के ऑलरेडी हमारा मनभावन डॉट मशवरा डॉट लाइव वेबसाइट है मेरा यूट्यूब वहाँ पे ना इनको मतलब की काफी सारी चीजें हैं जी उसके लिए बोल रही हूँ मैम आप चैट बॉक्स में यूट्यूब डाल दीजिए मैं वहाँ पे शेयर चैट बॉक्स में यूट्यूब शेयर करना चाहती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी है के नाम से चैट बॉक्स सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल वीडियो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है वहाँ पर तो आप उसमें से सीख सकते हैं बच्चों को सिखा सकते हैं मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए तो कर लीजिए हाँ सबका देखे सबका बहुत सुंदर है और सभी लोगों को फोटो खींच के भेजना है आपने जो पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग की उस पेंटिंग की राघव सुंदर आशीष रुचि के विंडो से शिवी के विंडो से कोयल बासु आपको बेटा फिश बनाना था आप बतख बना रहे हो थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं ठीक है मैडम का यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक आ गया है कि अगर आपको कुछ और भी सीखना हो तो चैट बॉक्स में है हाँ जी बोलो अफसोस का मैम मम्मी लिंक आ गया मैम माइक अनम्यूट करें मैम शोभना मैम माइक अनम्यूट करें आप थैंक यू बाय बाय सबका बहुत सुंदर है और सब अपने पेंटिंग का फोटो खींच के जरूर भेजेंगे और नेक्स्ट हाँ जी जी और नेक्स्ट फ्राइडे जी शोभना मैम बोलिए हाँ जी मैं कह रही हूँ कि मैंने उसमें अपने YouTube चैनल में बहुत सारी पेंटिंग्स बच्चों के मतलब की भी हैं और बहुत इजी वे में उनको ट्यूटोरियल वाइज मैंने सिखाया हुआ है तो आप लोग घर में बैठकर वहाँ सीख सकते हैं उसके जरिए आप उसके लिए उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैंने शेयर कर दिया है अपने चैनल का लिंक और मेरा फोन नंबर भी मैं शेयर कर रही हूँ हेलो आपको आगे कुछ सीखना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं थैंक यू नितिन जी मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ जी जी मैम हाँ जी थैंक यू सो मच मोटो सी प्लस वेरी गुड वेलकम मैम हाँ जी बहुत सुंदर सभी का बहुत सुंदर है यस संगीता मैम हाँ जी तो वही मैं कह रही थी कि सबकी बहुत अच्छी बनी है तो आप अपनी जो भी आप बनाए हो आज मधुबनी पेंटिंग उसकी उसकी फोटो खींच के आप जरूर भेजोगे और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जब हम लोग आ रहे हैं एक डिफरेंट एक्टिविटी को लेकर के जो डांस है जो बहुत अच्छा धूम मचाने वाला है तो सब तैयार रहिएगा फिर से हम लोग सब मिल के डांस करेंगे आज हमने आर्ट सीखा है और नेक्स्ट एपिसोड में तो हम डांस करेंगे बहुत मजा आएगा मुझे भी इनवाइट कर लेना जरूर 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 मैं इनवाइट करूंगी जरूर इनवाइट करूंगी और आपके नॉलेज में भी कोई हमारे जो सिखाएगी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सिखाएगी सारे मैं जितने प्रोफेशनल हैं या हमारे जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके नॉलेज में भी कोई जो स्पेशल बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं तो प्लीज मनभावन को ज्वाइन कीजिए मनभावन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे बच्चे को खुशी हैप्पीनेस और जॉय देता है और उसके साथ ज्वाइन करने का क्या तरीका है वो आप बता दीजिए मुझे उसको ज्वाइन करने का एक रजिस्ट्रेशन है जिसको आप मनभावन डॉट मशवरा डॉट लाइव पे जाएंगे वहाँ रजिस्ट्रेशन के कॉलम है वहाँ रजिस्टर कर लीजिए और वो हमारे पास आ जाएगा फिर हम आपको मेल करके मैडम स्माइल प्रोग्राम बहुत अच्छा था स्माइल प्रोग्राम बहुत अच्छा था जी 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 वेरी गुड स्माइल में और भी नई नई चीजें हम लेकर के आ रहे हैं आप लेकिन आप एकदम जुड़े रहिएगा हमारे साथ और भी लोगों को और भी लोगों को इस प्रोग्राम तक जोड़िए तब और अच्छा है हमारा उड़ीसा का तो बहुत जोड़ गया है जी जी रश्मि आ जा मैडम ओके शोभना मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम आप सबको और सारे स्टूडेंट्स को मुझे बहुत अच्छा है मेरे लिए थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम निकाला
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस मैं सब पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगी आप यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको नई नई टेक्निक यूट्यूब चैनल पर सिखाती रहूंगी। जी जरूर, बहुत सुंदर। और आप सभी को फीडबैक लिंक भेज दिया जा रहा है, आप यहाँ पे लिंक के थ्रू अपना फॉर्म फिल करें और सर्टिफिकेट आपको जैसे हर बार मिलता है वैसे मिल जाएगा। प्लीज करेक्टेड ईमेल डालें, बहुत सारे सर्टिफिकेट अगर ईमेल करेक्टेड नहीं होता है तो वो बाउंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। हम फ्राइडे मिलेंगे, गेट रेडी फॉर डांस एक्टिविटी, बहुत अच्छे तरीके से सब रेडी होके तैयार होके रहेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।